नहीं तो क्या चाहिए बता। नहीं मैं अपनी मैं बहुत सीधा हूँ, मैं अपनी बीवी को आज 17 साल की रिलेशन है हमारी हमारी और हमारी वाइफ का, 2006 में मेरी शादी हुई उस समय 17 साल का था और आज भी वो मेरे लिए सक्रिय है। सबसे फर्स्ट प्राथमिकता उसी को मैं देता हूँ क्योंकि मैं जब कुछ भी नहीं था तो उसके लिए मैं हीरो था, तो आज तो हीरो बन गया हूँ, तो सबसे पहले मैं उसी का हीरो बनना चाहता हूँ। और कोशिश ये रहती है कि जिंदगी में बीवी तो कोई एक ही बनता है, बाकी दुनिया में तो आना जाना सबका लगा ही रहेगा, और हमें कैरेक्टर के तौर पर देखें तो डेली बीवी चेंज होती है हमारी। आज इनके साथ कर रहा हूँ तो कल उनके साथ कर रहा हूँ तो परसों उनके साथ कर रहा हूँ, तो हमारे जीवन में तो एक रील है वो, लेकिन रियल में तो वही सब कुछ है और वही सब कुछ रहेगा। आपको लगता है कि मराठी जो भाषी है और जो महाराष्ट्र की सरकार है वो वहाँ के भाषा और फिल्मों में ज़्यादा मदद करके, आप बार बार कह रहे हैं कि सरकार साथ है तो चीज़ें बदल सकती हैं, क्योंकि अभी सबको लग रहा है कि ये गाना चल रहा है इसमें उनको पैसा आ रहा है, चाहे वो उसमें कुछ भी रहे हम उसी भेड़ चाल में आगे बढ़ते आ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में वहाँ पे कोई भी मराठी फिल्म बनता है तो जितने भी मल्टीप्लेक्स महाराष्ट्र में है उनको एक शो चलाना ही पड़ता है, उनको एक शो चलाना ही है चाहे वो कोई भी मल्टीप्लेक्स हो, लेकिन एक शो मराठी फिल्मों को वहाँ चलाया ही जाता है। लेकिन हमारे भोजपुरी में ऐसी चीजें नहीं है, इंटरटेन की तरफ थोड़ा सा सरकार का ध्यान बहुत कम होता है, जबकि मुझे लगता है कि इंटरटेन में सबसे ज्यादा रोजगार लोगों को मिल सकता है, क्राउड के काम होते हैं, होटल से लेकर हर चीज के 2,000 लोगों की जरूरत होती है, हमें हम एक बार में कम से कम 2,000 लोगों को रोजी दे सकते हैं। अगर एंटरटेन एक हॉल चालू होता है तो वहाँ पे कई सारे बिजनेस शुरू हो जाते हैं, दुकान शुरू हो जाते हैं, लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है, वो जगह एक अलग लेवल पे देखी जाती है। तो अगर सरकार में अगर मदद करे तो मुझे लगता है कि हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। सरकार को कुछ नहीं कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं।